हनी भाग पकड़। आजा आजा। क्या बात क्या बात क्या बात, केच हाथ की बजाय सर पर ले लिया। यार ये तो कहीं का नक्शा दिख रहा है। खजाने का नक्शा होगा, मतलब मुझे खजाने का नक्शा मिला है। जरूरी नहीं है कि ये खजाने का नक्शा हो। पुराना कागज है, किसी खजाने का नक्शा हो सकता है। ढूंढने में क्या प्रॉब्लम है, चल के एक बार देखते हैं, शायद हमें बहुत सारा खजाना मिल जाए। हाँ चलो अंदर तैयारी करते हैं। सारी चीजें हो गईं। चलो सामान उठाओ। हनी देखकर पीछे कैसे देखूंगा, मेरी आंख पीछे नहीं है, और होती भी तो तुमने उसमें हेलमेट पहना दिया है। इस गधे से बहस करना बेकार है। चलो जल्दी चलो, रात हो गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और मैडम के आने से पहले वापस भी लौटना है। हाँ चलो। पहले देर हो रही है और इसे दूध पीना है। मैं इसका सर फोड़ दूंगा। यहीं लड़ते रहोगे क्या, चलो। ये रास्ता तो इसी खंडर से आगे जाता है, पर एंट्री कहाँ है? ये देखो नक्शे में रास्ता दिख रहा है। हाँ गधे, वो नक्शे में है, यहाँ कहाँ है रास्ता? यहाँ तो सामने दीवार है। ढूंढो, इस दीवार में कहीं ना कहीं रास्ता जरूर होगा। ओए अरे अरे खजाना ढूंढने का रास्ता तो शुरू हो गया, लेकिन अब इधर से जाएंगे किधर? नक्शा है ना, उसका अचार डालना है। नक्शे का अचार डाल देंगे तो रास्ता कैसे देखेंगे? नक्शा देख कि कौन सी सुरंग में जाना है, समझे क्या? इसमें तो कहीं भी आगे जाने का रास्ता नहीं है।
इसमें से ही एक सुरंग है। वो तो ठीक है, लेकिन जाना किधर है? मैं बताता हूँ, कड़बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, इस वाली सुरंग में चलते हैं। ओके। अरे देखो दोस्तों, हमने एक एक करके सारी सुरंगों के चक्कर लगा लिए हैं, बस एक ही सुरंग बाकी है, मतलब यही सही रास्ता है। ये हेलमेट की लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही है? मेरी भी नहीं हो रही है। नहीं होगी? क्या बात क्या बात क्या बात, जब टॉर्च है तो लाइट ऑन क्यों नहीं होगी? क्योंकि दुकान वाले ने कहा था कि इसकी लाइट नहीं जलती है। गधे, तो चेक कर लेना चाहिए था ना। अरे तूने तो कहा था कि हेलमेट चाहिए जिसमें टॉर्च हो, मैं ले आया, टॉर्च जलनी भी चाहिए, ये कब कहा था? हे भगवान, एक गधे के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कोई शक? कोई शक नहीं है, और घबराने की बात नहीं है, मेरे पास टॉर्च भी है। ये टॉर्च ऑन क्यों नहीं हो रही है? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें से सेल निकाल कर मैंने अपनी रिमोट वाली कार में सेल डाल दिए थे। गधे, वापस चलते हैं। यार इस तरह अंधेरे में तो रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सब देख सकेंगे। कैसे? तेरे पास कोई जादुई मशाल है? नहीं, लेकिन मेरे पास नए सेल पड़े हैं। इतनी देर से परेशान हो रहे हैं, तूने बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा ही नहीं। हनी मेरे भाई, सेल टॉर्च में डाल ताकि हम आगे बढ़ सकें। टॉर्च ऑन हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है। अरे बच गए, चलो आगे। मुझे लगता है इस दीवार के पार रास्ता होगा, इस दीवार को थोड़ा खोद कर देखते हैं। खोखली है, इसके पार रास्ता होगा। मत करो मत करो, दीवार रो रही है, देखो आंसू आ रहे हैं। गधे, ये आंसू नहीं है, पानी है, पुरानी जगह है ना, दीवारों में पानी रहता है। ये देखो रास्ता, कोई शक? गधे, जब रास्ता दिख रहा है तो शक क्यों होगा? सीढ़ियाँ। हाँ देखो, नक्शे में भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। राइट, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, चलो जल्दी। मैं ट्राई करता हूँ। से नहीं होगा, की घुमानी पड़ती है। मिल गया खजाना, हम लोग करोड़पति हो गए। इतना ज्यादा सोना यहाँ किसने रखा होगा? किसी राजा महाराजा का खजाना लगता है। ये हमारा है। ये हमारा अड्डा है, ये खजाना नहीं है, हमने सारा माल लूट के छुपाया हुआ है। ये खजाना वजाना नहीं है, ये इनके लूट का माल है। हाँ, और तुम्हें ये सब पता चल गया है, इसीलिए तुम चारों में से कोई भी बच कर नहीं जा पाएगा। देखो पोपट को, अपनी जान बचाकर भाग गया। अभी फंसे नहीं है, भागो। कहीं नहीं भाग पाओगे, मेन गेट बंद है। अब तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। आ, 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 आ,
रुक जा। बिल्ला मुझे बचा। अब कैसे बचोगे हमसे? कोई नहीं हिलेगा वरना सबको गोली मार दूंगा। पुलिस और यहाँ? हाँ, ये पुलिस को मैं लेकर आया हूँ। कोई शक, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। हमको इनाम की जरूरत नहीं है, हमारे लिए खजाना बहुत है, इनाम आप रख लेना। ईश, ये सरकार के कब्जे में रहेगा, बनी समझाओ इसको। रहने दीजिए ना सर, आपको तो पता है इसको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। इंस्पेक्टर पांडा, एक बिस्किट ले लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनी सुन, तू बहुत देर से खेल रहा है, अभी थोड़ी देर मुझे भी खेलने दे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो खेलना शुरू किया है, अभी मैं खेलूंगा। अरे कहा ना, मैं थोड़ी देर और खेलूंगा। मुझे काटता है। अरे कहाँ गया यह हनी? तो टीवी के अंदर चला गया। कोई शक? इसमें शक की क्या बात है, हमारे सामने तो गया है। हनी गेम में फंस गया है, इसे बचाना पड़ेगा। पर अंदर जाएंगे कैसे? जैसे हनी गया है। घबराना मत बड़े भाई, हमारे तुम्हें बचाने आ रहे हैं। दत्तरी की खाली किस चीज की जरूरत पड़ सकती है? लेकिन हनी कहाँ है? हनी हनी छोटे भाई बचाओ। जोरदार लात मार। टाइम प्लीज, पहले पहली वाली आग तो बुझाने दे। अब बुझा रहे हो, ये जान ले रहे हो। ये क्यों पीछे पड़ा है? हम गेम में हैं और ये दुश्मन है। यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? बिना गेम जीते नहीं निकल सकते। बहुत आग उगल ली, अब तुम हमारा ड्रैगन देखो। शाबाश,
शाबाश मेरे ड्रैगन, शाबाश। पानी पिलाओ पानी। हाँ? अरे ये क्या है? मिसाइल है। ले लो, आगे टारगेट शूट करने में काम आएगा। छोटे भाई, ये मिसाइल बहुत भारी है, गिर गई तो फट जाएगी, मेरी मदद कर। उठा उठा, किसी काम तो आ। ये कैसा गेम है, इसमें तो काम करना पड़ रहा है। अरे देखो, एक और बॉक्स। इसमें बैग मिला तो संभाल कर मिसाइल रख पाएंगे। अरे संभाल कर, ये गेम खतरनाक है। अरे आ जाओ। ये रॉकेट कहां से आ रहे हैं? आगे जाना है तो इस टैंक को उड़ाना पड़ेगा। बॉम्ब दो मुझे और इस टैंक का ध्यान बटाओ। इस टैंक को मैं अपने डांस से एंटरटेन करूंगा। बाल बाल बच गया। वो टैंक है मुगले आजम नहीं, जो तेरा डांस देखकर खुश हो जाएगा। कोई शक? अटैक करो इस पर, अटैक करो। हुरे! नेक्स्ट स्टेज पर आ गए हैं, संभल कर। ओए, अरे, ए, हाँ, बचाओ, ऊपर नीचे देखकर चलो। गधे एक साथ ऊपर नीचे कैसे देख सकते हैं? गधा तू है, दो ऊपर देखो, दो नीचे, हम चार हैं। कोई शक? ये अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? किसी ने एसी चलाया है। खुले जंगल में कोई एसी काम करेगा क्या? तो तू ही बता, ठंड क्यों हो रही सामने है? देखो जवाब मिल जाएगा। ये बदमाश ठंडी हवा छोड़ रहा है, देखो दूसरा राक्षस कितना अच्छा है। हनी, हनी, इसको कोई नुकीली चीज से तोड़ना होगा वरना ये जम जाएगा, लेकिन आसपास कुछ दिख नहीं रहा है। मिल गई।
इनको जल्दी नहीं हराया तो ये खून जमा देंगे। आइस पिघलाने के लिए आग चाहिए, या आग कहाँ से लाएंगे? नहीं, नहीं। हमारी मदद कर दे पोपट। रुक जाओ, बेचारे पिघल रहे हैं, इन्हें पिघलाना ही है। गेम है गधे, इनसे जीतेंगे तभी बाहर निकलेंगे। मिल गया रास्ता, वो देखो दरवाजा। तुम लोग टीवी में से बाहर निकले? हाँ, हम गेम में चले गए थे। क्या वो? हाँ हाँ, हम गेम खेल रहे थे, टीवी के पीछे छुपे थे। हाँ भला टीवी में कोई कैसे जा सकता है मैडम? राइट, आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे लगा तुम सभी लोग टीवी में से निकले। सांभर में डलती है सेम, मैं लाया हूँ नया वीडियो गेम, फुको ताली। नहीं, गुरु क्या बात है? कम बोले किस्मत खोले राजमा छोले। ओहो भाई, अरे भाई, बिल्ली है पर बेटी का प्यार मिलता है, घर में पूरा अधिकार मिलता है। शायरी करता है पर किसी को नहीं पसंद आती, जल्दी ही तेरी किताब छपने वाली है, ठुको ताली। भाई कहीं पर खत्म कहीं पर यामी है, ये बाबा तो अंतर्यामी है, ठुको ताली। ठोकेगी सारी दुनिया ताली ठोकेगी, कम बोले किस्मत खोले राजमा छोले। आप कौन है बाबा, क्या चाहते हैं? उधार, बिल्ली बिल्लियों का उधार, हम है बाबा बिल्लाचार्य। इस रूप में लोमड़ पहली बार देखा है, कोई शक? अरे ऑरेंज कलर के बाबा, ये तप का प्रभाव है, सूर्य के किरणों ने हमें सूर्य के रंग का कर दिया, समझे हनी बच्चा? पम्मी के पड़ोस में प्रीतो की दुकान है, बाबा आप तो सचमुच महान हैं, ठोको ताली। महान तो ये चारों हैं, कभी बैंक डकैती पकड़वाते हैं, कभी स्मगलर पकड़वाते हैं। अरे इनको तो सब पता है, ये तो पूरे शहर को पता है, कोई शक? ऐसा क्या है जिससे कि हम माने कि आप बाबा हैं? रंग नहीं देख रहे, ये ऑरेंज है। रंग से क्या होता है, ऐसा तो पोपट भी हरा है, तो क्या ये भी बाबा हो गया? मूर्ख, तोते हरे ही होते हैं, हमें तोता कह रहा है। तोता क्यों कहूँगा, आप तो लोमड़ हैं। लोमड़ थे, अब शक्तियाँ प्राप्त करके ऑरेंज रंग के हो गए हैं। सब बकवास है, हम नहीं मानते, हमने ऐसे नौटंकी बाबा बहुत देखे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, अब हमारे ध्यान का समय हो गया, प्रस्थान करते हैं। प्रभु आप अंदर पधारिए, बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। अवश्य, शाम को दर्शन देंगे, कम बोले किस्मत खोले राजमा छोले।
क्या किटी, तुम भी कहाँ ये बाबा बाबा के चक्कर में पड़ रही हो? तुम नास्तिक हो और नास्तिक ही रहोगे। आइडिया, मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं तो साधु के भेष में हूँ। ये थोड़े ही पहचानेंगे कि मैं वही हूँ जो रोज इनका खाना लेकर भागता हूँ। कम बोले किस्मत खोले राजमा छोले। दोनों आपस में लड़ते रह जाओगे, तुम्हारा खाना लोमड़ खाएगा और तुम देखते रह जाओगे। तुम्हें कैसे पता कि हमारा खाना एक लोमड़ खा जाता है? बाबा बिल्लाचार्य को सब ज्ञान है, हमें तो ये भी पता है वो कहाँ है। कहाँ है वो? मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। वो पापी है, उसे दंड मिलेगा पर बिना परिश्रम के फल नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होगा? पापियों को सजा देनी होगी तो वो पापी लोमड़ स्वयं सामने आ जाएगा। हमें पापी कहाँ मिलेंगे? तुम बोले किस्मत खोले राजमा छोले। पापी हनी बनी है ना? बिल्ले पीटेंगे तो हमें वो चोर लोमड़ मिलेगा। हाँ भाई, बहुत खाना चुराया है उसने हमारा। क्या बुद्धू बनाया है। अरे तुम दोनों यहाँ? हाँ, पापियों को सजा देनी है। अरे नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो? तू बीच में मत आ भाई, ये पापी बिल्ले हैं। गधे, पूंछ बंधी है, एक तरफ भाग। अरे पागल हो गए हो, क्यों मार रहे हो इन्हें? बाबा का आदेश है, इन्हें पीटेंगे तो हमें हमारा दुश्मन मिलेगा। अरे कौन से बाबा? बाबा बिल्लाचार्य का आदेश है। क्या बात क्या बात क्या बात! बाबा ने पीटने के लिए कहा था, पर क्या ये नहीं बताया कि कितना पीटना है? नहीं, मुझे बताया था, जितना पीटना था पीट लिया, अब जाओ। ज्यादा पीटोगे तो दुश्मन नहीं मिलेगा। कोई शक? चलो बस एक राउंड और तसल्ली के लिए। पूरा रंग लग गया, फिर नहाना पड़ेगा। नीलाहनी। ओ अच्छा, अब समझ में आया। ऐसे ही वो लोमड़ बाबा बनाना है। आ जाओ। पाई चमेली का तेल लगाया है सर में, बाबा का स्वागत है हमारे घर में। ठोको ताली। आयुष्मान बाबा। भाई आयुष्मान तो खुराना है, मैं खन्ना ही ठीक हूँ गुरु। क्षमा करें बाबा, हम आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाए, क्षमा करें। क्षमा किया
हम तुम्हारा ये दूध भेंट स्वरूप ग्रहण करते हैं। हम इसे पिएंगे। पीना नहीं है बाबा, इस दूध से हम आपका अभिषेक करेंगे। कोई शक? अभिषेक? अभिषेक नहीं समझते, ये दूध हम आपके सर पर डालेंगे। सर पर? नहीं 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 नहीं। बिल्लाचारे महान है, अपने आप को भगवान बताना नहीं चाहते, पर हमारा भी फर्ज बनता है। लाओ इनका अभिषेक करते हैं। बाबा सम्मान ही कर रहे हैं, आइए ना। भागो। अरे रुको। यहाँ जाऊँ? बाबा मिल गए, अभिषेक करो। भाई लोग मूंगफली चुरा कर जेब भर रहे हैं, बाबा आप अभिषेक से क्यों डर रहे हैं? ठोको ताली। तू? ये तो रंग था, उतर गया। अभी लोमड़ का रंग उतरा है, अब बाकी बिल्लों पर उनके अवतार का रंग था वो उतरेगा। हाँ, ये अपने शरीर को ऑरेंज रंग कर फायदा उठाकर बाबा बन गया। कोई शक? कल फिर तैयार रहना, अब बाबा नीले रंग में आएंगे। अच्छा, ये फिर अवतार लेंगे? नहीं, पर आज इसे हम मार मार कर नीला जरूर कर देंगे। सॉरी, छोड़ दो, मैं मजाक कर रहा था। देखा किटी, चमत्कारी बाबा बाबा कुछ नहीं होते, ये सब नौटंकी थी। सॉरी, मैं भी इस धोखे में आ गई। पत्थर से टकराए, जूते की सोल खुल गई। अच्छा हुआ इस नकली बाबा की पोल खुल गई। ठोको ताली।